लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हमेशा जल्दी खाना बन जाता है, आज ही थोड़ी देर हो गई पापा। आप रुकिए, 10 मिनट में बन नहीं, जाएगा। ठीक है, तो आराम से बनाना। मालिक पूछिए। हाँ पूछता हूँ ना। कब आए आप लोग? बस अभी अभी आए हैं। खाना खाया? हाँ वो बना रही है। सुसा? हाँ माँ जी। खाना बन गया है तो दे। तुम क्यों खड़े होगे, बैठ जाओ ना। अच्छा बेटी। हाँ? इस शुक्रवार को तुम कहीं बाहर जा रहे हो क्या? क्यों पापा? कुछ नहीं, अगर तुम और दामाद कहीं जा नहीं रहे हो तो मैं तेरी माँ को मंदिर तक ले जाऊँ, सब साथ जाएंगे तो अच्छा लगेगा ना। नहीं पापा, उस दिन सुबह शायद इन्हें अपने छोटे भाई के घर जाना है, ऐसा कह रहे थे। अब फिलहाल तो बाहर गए हैं, पता नहीं कब आएंगे। देर भी हो सकती है पापा। तू काम कर। दामाद जी आ जाते तो मैं उनसे भी मिल के चला जाता, ऐसा सोचा था। उन्हें आने में तो टाइम लगेगा ना पापा। ठीक है बेटी, तो तू जाके काम करना। उससे ऐसा वैसा पूछकर देखा, गाड़ी नहीं है। दामाद जी भी होते तो गाड़ी देख लेता ना, वो भी नहीं मिले। ए, तू उनके पीछे पीछे जा, मैं आता हूँ। जा, जा, जाना। दीदी, दीदी। क्या हुआ, कुछ भूल गए क्या? नहीं, मालिक और माजी दोनों शादी की सालगिरह के दिन मंदिर जाने वाले हैं, तो वही बताने के लिए आया था। वो परेशान होकर मालिक बिना बोले जा रहे हैं। मैं नहीं आता हूँ दीदी, आप और जीजा जी ले जाकर आ जाओ। क्यों, ये बात पापा नहीं कह सकते थे? और अगर उन्हें कुछ चाहिए तो वो खुद भी मांग सकते थे ना। तुम अपने काम से मतलब रखो, खुद मौज मस्ती करनी है और पापा का नाम नहीं रहा है। पापा भी पता नहीं कैसे लोगों को रख लेते हैं। कहाँ गए थे तुम लोग? इन्होंने कहा और तुम लोग पीछे पीछे निकल पड़े? तुम लोग मांगोगे और वो उठाकर दे देगी क्या? नहीं माँ जी, मालिक की कोई गलती नहीं है, मैं ही इन्हें लेकर गया था। दी उसने? तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो, एक बार उसके हाथ में चीज गई वापस नहीं आएगी। वो जब भी यहाँ थी, वो जो कुछ भी मांगती ये उठाकर दे दिया करते हैं, कभी मना नहीं करते। लेकिन वो गाड़ी, उसमें ये बच्चों की तरह घुमा करते थे, इसलिए। चलो कोई बात नहीं, तुम लोग खाना खा लो। देख, गाड़ी नहीं है इसलिए इस घर की तरफ देखना छोड़ मत देना, हमेशा की तरह आते जाते रहना। हाँ ठीक है माँ जी। क्योंकि तेरा चेहरा देखे बगैर ये माँ खाना नहीं खा पाएगी, ठीक है ना बेटा? ठीक है माँ जी। गाड़ी मांगने पर भी नहीं दी तो वापस जाकर मांगो ना। सही नहीं रहेगा, अगर वापस जाएंगे तो वापस आने का कोई चांस नहीं है। क्या चांस नहीं है, कितनी बार जाकर पूछा? अरे क्या बोल रही हो, कार में जाना पसंद है, साइकिल पसंद नहीं है क्या? भेजा घुमा रही है, जा यहाँ से। अरे जा। मुर्गेश, तुम कैसे भी आओ मुझे पसंद हो, कार में आओगे तब भी और साइकिल में आओगे तब भी। कार में आते हो तब थोड़ी सी ज्यादा खुश रहती हूँ। हाँ तुम्हारे एक बार पूछने पर उसने नहीं दी ना, अब पूछना भी मत, ठीक है? कुछ भी करके गाड़ी लेके ही आना है। हाँ? हाँ। गाड़ी नहीं चलेगी, उसको रिपेयर करते हैं, फिर अपने पास ही आएगी। वही बहाना बना के मालिक और माजी को मंदिर लेके चलेंगे। हाँ। हाँ। गाड़ी कैसे स्टार्ट हुई ये पता नहीं। हाँ। कुछ भी हो जाए गाड़ी को लेकर ही आना है। हाँ। अपनी गाड़ी है वो। मैं ये पूछ रहा था कि मैं तुम्हें मंदिर कार से नहीं लेकर गया, इसलिए तुम नाराज हो गई हैं?
सो गई क्या? सारा सामान लेकर आप लोग जल्दी जल्दी निकलो, हम लोग पीछे पीछे आते हैं। हाँ जाओ। ये क्या ऐसे हाथ घुमा रहे हैं, जल्दी जल्दी खाइए ना। मुर्गेश को कहा तो है कि वो जाकर वहां से गाड़ी ले, उसी में चलेंगे ना। मैं थोड़ी हिम्मत करके बेटी से अपनी गाड़ी मांगता तो शायद वो दे भी देती, पर कोई बात नहीं। आपको क्या लगता है मैं आपसे नाराज हूँ इसीलिए परेशान हो रहे हैं? आप गाड़ी चलाना सीख जाए इसीलिए ऐसा कह रही थी, वरना मुझे क्या जरूरत है? अब हम दोनों की कोई उम्र है क्या कि कार में बैठकर मंदिर जाएंगे? नहीं, नहीं, इतने दिनों से क्या कार में बैठकर मंदिर जा रहे थे हम लोग? अच्छे से बैलगाड़ी में बैठकर दोनों मंदिर जाएंगे। वैसे भी कार में बैठने से मुझे बहुत डर लगता था, सोचती थी अगर कार में बैठने के लिए कहेंगे तो कैसे बैठ पाऊंगी, लेकिन कभी कह नहीं पाई आपसे। मुझे तो गाड़ी वाड़ी में बैठना ही नहीं है, अपनी तो बैलगाड़ी ही ठीक है। हाँ भैया, माजी गाड़ी आ गई है, चले। ठीक है चलते हैं, चल। ए मुर्गेश, हम लोग ना जितनी जल्दी हो सके एक नई गाड़ी खरीद लेंगे। हाँ ठीक है, तू परेशान मत हो बेटा। माजी क्या माजी, आप भी, मैं तो समझा था कि आप परेशान होती होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। गाड़ी कहाँ गई है माजी? अपनी दीदी के घर में ही है ना, जरूरत है बोलेंगे तो वो दे देंगे, गाड़ी मिल जाएगी। माजी गाड़ी में जाएंगे तो बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, मालिक के साथ बात करने का टाइम नहीं मिलेगा। अगर बैलगाड़ी में जाओगे तो उनके साथ बाजू में बैठकर बात करते हुए जा सकते हो। चलिए चलते हैं। ए, मैं उन्हें बुला कर लाती हूँ। बदमाश। पापा, पापा, क्या हुआ बेटी? क्या हुआ? क्या हुआ, तू इतना भाग के क्यों आ रही है? हाँ, थोड़ी देर में हम ऊपर पहुंच जाते। क्या बोल रही तू? आपने वो गाड़ी दी थी ना, बीच रास्ते में ही बंद पड़ गई वो, एक लॉरी से हमारा एक्सीडेंट होने ही वाला था। क्या बोल रही है?